अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साबिर हुसैन और मैं आप सब लोगों को स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये जो सीएसएस जनरल एबिलिटी का जो सब्जेक्ट है, ये मैं पिछले तकरीबन 5 से 6 साल से पढ़ा रहा हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि 2016 में ये सीएसएस एबिलिटी को जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर एड किया गया था। तो सबसे पहले हम लोग इसको सीएसएस एबिलिटी में जो इसके मेन इसके टॉपिक्स हैं, इसके मेन कॉन्टेंट्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आती है और जो चीजें हमें नहीं पता उनको भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे। सबसे मेन चीज ये है कि हम लोग इसको जस्ट एक एबिलिटी के नाम से हम लोग लेते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एबिलिटी का पोर्शन, मैथ का पोर्शन आएगा, लेकिन ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि सीएसएस एबिलिटी के जो पोर्शन, उसके अगर आप लोग इसका कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मेन तीन चीजें हमारी आती है जो कि पेपर के अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले हमारा बेसिक मैथ आता है, जिसको स्टूडेंट सिर्फ ये समझता है कि एबिलिटी के अंदर सिर्फ हमारा मैथ्स आना, लेकिन इसके साथ दो चीजें और भी आती हैं। एक हमारा बेसिक मैथ होगा, एक साथ हमारा एनालिटिकल रीजनिंग भी आता है, और एक तीसरी चीज जो कि हमारी आती है स्टैटिस्टिकल पोर्शन, जिसके अंदर हमारे स्टैट के कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे बेसिक मैथ में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, और स्टैट के पोर्शन के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक आएंगे। देखिये, बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोगों ने मैथ वो वाली पढ़नी है जो कि हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी से मिडिल के दरमियान पढ़ चुके हैं। यानी कि आप ये कह लें कि ये एबिलिटी का पेपर जो होता है, ये आप लोगों को ग्रेजुएशन मास्टर से लेके दोबारा आप लोगों को प्राइमरी और मिडिल के अंदर आपको ले जाता है। आप इसके मेन में टॉपिक्स आप देखेंगे, ये बड़े आसान आसान टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे है रेंज, मीन, मीडियन और मॉड। ये दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारा 2016 और 2020 के अगर आप लोग एबिलिटी के पास्ट पेपर देखेंगे वहां पे आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेंगे। और हमारा मेन फोकस क्या होगा, ये जो हम लोग इंशाल्लाह स्टडी जो करेंगे, इसमें हमारा मेन फोकस होता भी यही है कि हम लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स को लाजमी स्टडी करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो एबिलिटी के अंदर या और कोई भी आप लोग पेपर देख ले सीएसएस का, उसके अंदर जो स्कोर कम लेते हैं उसकी वजह ये होती है कि वो अपने पास्ट पेपर्स को सही वो थॉरली स्टडी नहीं करते। तो हमारा सबसे जो मेन फोकस ये होता है कि हम लोग सीएसएस एबिलिटी के पास्ट पेपर्स को जरूर देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उनको नहीं देखेंगे हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अगर हम देखा जाए मेन, मीडियम, मॉड का जो क्वेश्चन, ये 2016 और 2020 दोनों में रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है एवरेज का। एवरेज अगर हम देखा जाए 2016 से 2020 के पेपर में, 16 से 20 तक एवरेज नहीं है, लेकिन 2021 के पेपर में एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ अगर हम लोग देखें परसेंटेज, परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप लोग सीएसएस की एबिलिटी को ले लें, चाहे आप लोग वन पेपर की एबिलिटी को ले लें, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर परसेंटेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर हम लोग सीएसएस एबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखें, 2017 में भी आया हुआ, 2018 के पेपर में भी आपको नजर आएगा परसेंटेज, और 2020 जो इस दफा हुआ था इस पेपर में भी आपको ये जरूर नजर आएगा। इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं रेशियो प्रॉब्लम्स को। रेशियो प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, इसमें देखें 2017 में भी है, 2018 में इसके दो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में भी है और 2020 में भी। इसके साथ हमारा एक टॉपिक आता है प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन को हम लोग इकट्ठे ही इसको सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन जो है ये भी 2020 के पेपर में आया हुआ और उसी तरह 2017 में भी आया था। एज प्रॉब्लम, ये भी जैसे हमारा रेशियो प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, एज प्रॉब्लम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीएसएस की एबिलिटी हो चाहे वो वन पेपर की एबिलिटी हो, एज प्रॉब्लम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफा 2021 का जो पहला जो क्वेश्चन था वो आप लोगों का एज प्रॉब्लम का ही आया हुआ था, और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, इसके साथ अगर हम लोग देखें ज्योमेट्री सेक्शन को, ज्योमेट्री सेक्शन दोस्तों जी हमारा सीएसएस एबिलिटी में 2020 के पेपर में भी आया था, और इस दफा अगर आप लोग 21 का पेपर अगर देखोगे, 21 के पेपर में आपके ज्योमेट्री सेक्शन में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एक आप लोगों का जिसके अंदर आप लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना था, एक आपके एक ट्राइंगल की जो जिसके अंदर आपने मालूम करना था कि उसके अंदर ट्राइंगल्स कितनी है, इसी तरह आप लोगों का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन था वो आपका ज्योमेट्री में से आया होता, और ये भी 2020 के पेपर में भी आया और 21 के पेपर में भी आया हुआ है। इसी तरह टाइम डिस्टेंस डायरेक्शन प्रॉब्लम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन प्रॉब्लम आप लोगों के क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक पर्सन है पहले नॉर्थ में जा रहा है, फिर वहां से ईस्ट में जा रहा है, फिर वहां से वेस्ट में जा रहा है, तो बताएं अब वो जिस पॉइंट पे खड़ा है और जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया था वो कितने फासले पे खड़ा है, ये क्वेश्चन आप लोगों का जरूर आता है। चाहे आप लोग सीएसएस एबिलिटी के पेपर देख लें, चाहे आप लोग वन पेपर की कोई भी मैथ का आप लोग पेपर देख लें, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसी तरह वर्क शेयरिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं 2019-20 में आए हुए,
कोडिंग डीकोडिंग सीरीज प्रॉब्लम, इस दफा 21 का पेपर आप उठाओगे आप लोगों को सीरीज प्रॉब्लम इसमें नजर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ मैथ के कुछ अभी मैंने टॉपिक लिखे, मेनली हमारा जो इसके जो मैथ का जो सेशन है उसमें तकरीबन आपके 20-25 आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने कवर करने होते हैं। फिर आप लोग कह सकते हैं कि एबिलिटी में मैं 40 में से 35 प्लस में जरूर स्कोर कर सकता हूं। अच्छा, ये तो हमारा था मैथ का पोर्शन, इसके साथ हमारा आता है एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, जो स्टार्ट पे आप लोगों को मैं बता रहा था कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग को एनालिटिकल रीजनिंग को करते नहीं। हालांकि ये मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें से भी हमारे पास्ट पेपर्स के अंदर देखें। अब एनालिटिकल रीजनिंग में टोटल हमारे 7 मेथड आएंगे। अब 7 मेथड्स के अंदर मैट्रिक्स होगा, लीनियर ऑर्डरिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलेक्शन, नेटवर्किंग और लेस देन ग्रेटर देन। ये अगर हम लोग 7 मेथड करेंगे हम लोग कह सकते हैं कि एबिलिटी के अंदर हम अपने 5-10 मार्क्स हम अपने पक्के कर सकते हैं, क्योंकि 5-10 मार्क्स हमारा एनालिटिकल रीजनिंग के इसमें जरूर आता है। अभी अगर इसको अगर देखें तो लीनियर ऑर्डरिंग हमारा 2016 और 2020 में आया हुआ है। इसी तरह अगर हम लोग देखें सीटिंग अरेंजमेंट को तो ये 2020 के पेपर में आया हुआ है। इसी तरह नेटवर्किंग अगर देखें 2018 में, और इसी तरह लेसन ग्रेटर देन अगर हम देखें तो ये हमारा 2016 के पेपर में भी आया है और 2020 के पेपर में भी आया हुआ है। अच्छा, 2016 और 2020 के पेपर के बारे में मैं आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। मुझे कि 2016 और 20 के जो पेपर हुआ था इसमें 3 क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम रिपीट हुए थे। एक जैसे आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया रेंज मीन मीडियन मॉड देखकर 2016 और 20 में रिपीट हुआ। एक जहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन मैंने बताया लेस देन ग्रेटर देन 2016 और 20 में रिपीट हुआ। एक टॉपिक जो कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों का 2016 और 2020 के पेपर में सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, जैसे आप लोगों को स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप लोगों के पॉस्ट पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग पॉस्ट पेपर देखोगे इंशाल्लाह आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले लो उसमें इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो टॉपिक अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। तीसरा टॉपिक हमारा है जो कि एबिलिटी के पोर्शन में आता है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। स्टैट का पोर्शन भी हमारा आता है। अगर आप लोग 2017 और 18 का अगर पेपर देखोगे वहां पे आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाने के लिए उसने कहा हुआ है। पेपर के अंदर आप लोगों को हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा गया है। पेपर के अंदर आप लोगों को पिक्टोग्राम के बारे में कहा गया है। इसी तरह आप लोगों को बाय चार्ट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ोगे, सिंपल चार्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे। इसी तरह आप लोग इसके अंदर वेन डायग्राम्स को आप लोग पढ़ोगे और उसके अंदर आप लोग सेट्स को भी थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये मेनली मैंने आप लोगों को एक इसका सीएसएस एबिलिटी का जो कोर्स आउटलाइन है इसके अंदर हम लोग जो कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जरूर मिलते हैं दोबारा, जिसके अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बेसिक मैथ का कोई एक टॉपिक आप लोगों को मैं डिस्कस करके दूंगा जो कि हमारे सीएसएस एबिलिटी के पैटर्न के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह एनालिटिकल रीजनिंग का भी हम लोग एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग स्टैट के पोर्शन में से भी हम लोग एक टॉपिक जरूर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे एबिलिटी के पोर्शन के अंदर क्या कुछ आता है। तब तक लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।